टू राधाज क्रिएशन। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको पानी पूरी की रेसिपी बताऊंगी, तो यहाँ मैं मसाला भी बताऊंगी और पानी पूरी भी और पानी भी बताऊंगी। तो सबसे पहले हम पानी पूरी से स्टार्ट करते हैं, जो कि सबको बहुत ही पसंद होती है, खास करके तो बच्चों और लेडीज़ों को तो बहुत ज़्यादा। तो देखिए, जितना हम सूजी लेंगे उतना ही हम आटा लेंगे। हम यहाँ आटे की पानी पूरी बनाएंगे। तो पहले इसको अच्छे से सूजी और आटे को मिक्स कर लीजिए और आप ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। और ये याद रखिए कि मैंने इस कॉटन के कपड़े को गीला करके बिल्कुल से स्क्यूज़ कर लिया है, इसलिए स्क्यूज़ कर लिया है ताकि इसमें पानी ना रहे। और फिर मैं इसको जितनी मैं अपनी पूरियाँ बेलूँगी तो इसके नीचे ही रखूँगी। और अभी हम आटा जो नीट करेंगे उसे आधा घंटा के लिए रखेंगे, तो उसको इसी में ढक कर हम रखेंगे। तो सबसे पहले हमने इसको मिक्स कर लिया है, हम इस पर ये नमक डाल देते हैं। और हमें इस पर मोयन वगैरह लगाने या बेकिंग पाउडर कुछ डालने की आवश्यकता नहीं है, वो बिल्कुल बाजार जैसी ही कुरकुरी पानी पूरी ही तैयार होके बनेगी। पानी पूरी कह लीजिए, गोलगप्पे, पानी वाले बतासे, कुछ भी कह लीजिए। अब हम इसका बिल्कुल सॉफ्ट सा डो तैयार करेंगे और फिर इसे आधा घंटे के लिए छोड़ देंगे। तब तक के लिए कीप वॉच एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माई चैनल। सॉफ्ट सा डो तैयार कर लिया है मैंने, और अभी इसे और पानी लगा के सॉफ्ट करेंगे। मुझे तो पानी पूरी बहुत ज़्यादा यम्मी लगती है, बहुत ज़्यादा। मैं जब भी कहीं जाती हूँ तो मैं पानी पूरी ज़रूर खाती हूँ, लेकिन आज हम घर में ही ट्राई करेंगे। ना बेकिंग सोडा, ना बेकिंग पाउडर, ना मोयम, ना डालडा, ना घी। घी हम हल्का सा ज़रूर लगाएंगे लास्ट में। और फिर इसको बिल्कुल नीट, सॉफ्ट सा नीट करके, जैसे आटे का नहीं हम तैयार करते हैं वैसे ही। अब बड़ा सा हम इसे बेलेंगे बात को, और छोटे से कोई भी आपके पास अगर कटर है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप बॉटल का ढक्कन या कोई छोटी सी जो डिब्बी होती है उसका यूज करके आप गोल गोल आकार का काट लीजिए और उसे एक कॉटन के कपड़े के नीचे ढाक दीजिए। उससे हमारी जो पानी पूरी है ना, बिल्कुल क्रिस्पी बनती है। अब हम इसको हल्का सा हम अपने हाथ में घी लेंगे और इसके ऊपर ऐसे लगा देंगे। घी का स्वाद अलग ही हो जाता है, देसी घी है आखिरकार। और हम इसे ऐसे, ये जो गीला कपड़ा है मैं इसको नीचो के लाई हूँ, हम इसे आधा घंटा के लिए ऐसे ढक देंगे। क्रिएशन अगेन। अब हम बनाएंगे पानी। तो पानी, मसालेदार पानी बनाने के लिए यहाँ मैंने धनिया के पत्ते, मिर्ची, लहसुन, अदरक सब कुछ काट लिया। मैं इसको पीस लूँगी, ठीक है? तो अभी इसे साइड में रखते हैं, मैं भी इसे पीसूँगी और फिर इसको छन्नी से बिल्कुल छान के डालूँगी। सबसे पहले हम यहाँ पानी डालते हैं और अभी मैं इसमें ठंडी बर्फ़ भी डालूँगी और लास्ट में इसमें बूंदी ऐड करूँगी। ये है जलजीरा, जलजीरा डाल देंगे इसमें। अभी पानी और ऐड करेंगे हम इसमें, बिल्कुल मसालेदार पानी बनाएंगे और बिल्कुल तीखा। ज़्यादा तीखा तो मैं नहीं खाती क्योंकि मुझे ज़्यादा तीखा ना नुकसान करता है एक्चुअली, और मैं फ़ोन अपने हाथ में पकड़ के ऐड करती हूँ, सारे वीडियो बनाती हूँ, इसीलिए थोड़ा वीडियो अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पाते, सॉरी गाइस। इसलिए कुछ चीज़ें मैं स्किप कर देती हूँ। जल्दी से ट्राइपॉड आ जाए फिर मैं आपको अच्छे से सब रिकॉर्ड करके दिखाती हूँ। देखिए, जलजीरा मैंने डाल दिए हैं, थोड़ा मैगी मसाला। अब देखिए, मेरे बनाते बनाते लग गई हाथ में बहुत तेज। और ये दो बड़े नींबू के रस डालूँगी और मेन आता है नमक, थोड़ा सा सफ़ेद नमक, और सबसे अच्छा क्या लगता है, काला नमक। और अदरक का टेस्ट तो और ही अच्छा लगता है। यह मैंने काला नमक ऐड कर दिया, आप स्वाद अनुसार ऐड कीजिए।
कोई कम खाता है कोई ज़्यादा। तो अब हम इसको पीसते हैं, फिर मैं इसको छानती हूँ, फिर लास्ट में बूंदी ऐड करती हूँ और फिर हम आलू का मसाला बनाते हैं। ये देखिए हमारा देसी स्टाइल से पानी हमारा रेडी है, मैंने पीस के इसमें डाल दिया है क्योंकि मेरे पास ग्राइंडर तो था नहीं कि मैं पीस लेती, तो मैंने सिलबट्टी में ही पीस लिया। मेरे हाथ में बहुत जोर का लग गया, बहुत पेन कर रहा है। अब मैं इसको इस पर छानूंगी। प्लीज़ आप मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। छानने से जो इसमें जितनी लहसुन की जो बीज हैं, धनिया है, सब कुछ चला जाएगा। पुदीना मुझको मिला नहीं तो मैंने सिर्फ इसी से बना लिया। लास्ट में अभी मैंने फ्रिज में बर्फ पानी रख दिया है और वो फ्रीजर उसमें आइस बन जाए, फिर मैंने इसमें आइस क्यूब डाल दूँगी। तो आप लोग बताइएगा कि मेरी ये देसी रेसिपी कैसी लगी आपको। दिख रहा है ना यम्मी, लहसुन अदरक सबका फ्लेवर आएगा। फिर मैं चलती हूँ आपको पानी पूरी बताने और लास्ट में मसाला आलू बॉइल करके उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स मिलाएंगे। इसको भी ऐसे करके निचोड़ लें ताकि इसका फ्लेवर भी चला जाए, बाकी इसका ये जो है इसको फेंक देंगे। अब इस पानी में हम लास्ट में बूंदी ऐड कर देंगे और इसको इसमें आइस पैक डाल देंगे, इसको फ्रीजर में ही रख देते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया खुल रहा है ना, ऐसे हम अपने सारे डाल देंगे।
से बड़ा गोलगप्पा। गप्पे रेडी है, अब हम बनाएंगे आलू का मसाला। देखिए कितनी कुरकुरी है, और ये वाला देखिए सबसे बड़ा। ये आलू मैंने बॉईल कर लिया है, मैं इसको छील लूँगी, फिर मैं इसका मसाला बना के दिखाती हूँ। आलू को हम मैश करेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा मैश करेंगे। पहले इसमें मसाले मसाला मिलाते हैं, हल्का सा चिली मसाला डालेंगे, रायता मसाला डालेंगे, मैगी मसाला ऑप्शनल है, अगर आप मैगी मसाला डालें तो नमक कम डालें, चाट मसाला डालेंगे, अमचूर पाउडर, लास्ट में प्याज और धनिया काट देंगे हम इसी में, और नमक स्वाद अनुसार। अब इसको अच्छे से मिलाएंगे। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा। तो मैं आपको ट्राई करके बताती हूँ। एक तो इतना बड़ा है।